guys, welcome to the session, everybody. Good evening to all of you. I hope everybody is doing great. Welcome to your favorite channel, Byju's Grade 9 and 10. How are you all doing? Quickly tell me in the chat box. Yes, and if I'm completely audible and visible, do let me know. Give me thumbs ups in the chat box. Jaldi se, yes. So today we are going to cover this number systems entire unit which covers your first chapter, right? So aaj hum pura ka pura chapter ke sare concepts cover karne wale in this session. So make sure you stay there till the end, and last may we are also going to have one mentee quiz. All right. Good evening. Hi Arpit. Hello Mahira. हाय हेलो बच्चा, एम आई ऑडिबल विजिबल? थोड़ा सा लैग हो रहा था बीच में, सॉरी अबाउट दैट. एम आई ऑडिबल विजिबल? जल्दी से बता दो फटाफट से. इज इट फाइन नाउ? यस. All right, that's great. So yes, what I was saying, if you haven't subscribed to the channel yet, make sure you subscribe, because हम बहुत सारे amazing session आप लोगों के लिए इसी channel के ऊपर लेके आते हैं, and we have completed 2000 plus hours of free content. So you can go have a look at the channel, go you know scroll through the playlist, you can find all the wonderful sessions, all the important sessions that you need to ace your exams, right? Also ये हमारा crash course चल रहा है, आपको पता है Feb 17 तक हमने आपका पूरा syllabus cover करा देना है, ठीक है? So, जैसे-जैसे जो-जो chapters होते रहते हैं, make sure you tick mark those chapters. Now, today, आपका ये number system पे भी tick लग जाएगा. आज हम number systems भी complete कर देंगे. तो, I hope you are watching all these sessions. सभी subjects के आप sessions देख रहे हो, ठीक है? तभी फायदा है. Right? Hi, Sai. Welcome to the class. Hey, good morning, Fatima. Good evening. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, रियल नंबर्स. तो इस चैप्टर में वी स्टार्टेड अबाउट रियल नंबर्स, राइट? सो व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स अगर हम बिगर पिक्चर में देखें तो दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ठीक है? देखो ऐसा समझो कि दो तरह के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं. एक होते हैं रैशनल नंबर्स, विच कैन बी दो सच नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. तो ऐसे नंबर्स भी तो एग्जिस्ट करते होंगे जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. उन नंबर्स को बोल दिया गया इरैशनल नंबर्स, ठीक है? तो सबसे पहले रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल. नाउ रैशनल नंबर्स में देयर आर सो मेनी कैटेगरीज जो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, राइट? तो क्लास 6 से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4. वी ऑलवेज स्टार्ट आवर काउंटिंग फ्रॉम 1, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरली हमारे मुंह में से निकलते हैं जब हमें कुछ काउंट करना होता है, राइट? देन द सेकेंड नंबर्स जो कि रैशनल नंबर्स के अंदर ही आते हैं, दोज आर कॉल्ड होल नंबर्स. अब होल नंबर्स क्या होते हैं? बस नेचुरल नंबर्स के साथ अगर जीरो इंक्लूड कर दिया जाए उन नंबर्स को क्या बोल दिया जाता है? दोज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स. सो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स. इज इट क्लियर? यस, ये समझ में आया? देन अगर हमें नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करना हो, ठीक है? नाउ वी हैव इंक्लूडेड 0 1 2 3 4. नाउ इफ आई वांट -1 -2 -3, तो ये सारे नंबर्स को कलेक्टिवली क्या बोल दिया जाएगा? दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. सो इंटीजर्स कंटेन्स 0, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन. इतना सबको समझ में आया? यस बेटा, क्वेश्चंस भी करेंगे, बट ये क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज वी विल डू द क्वेश्चंस, एंड लास्ट में यू आर आल्सो गोइंग टू क्विज योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ मेंटी क्विज. ओके, सो ये तीन पार्ट्स में हम क्रैश कोर्सेज के सेशंस को डिवाइड करें ताकि आपकी अच्छे से होल्ड बन जाए चैप्टर्स के ऊपर. ऑलराइट,
ओके सो नाउ अगर मैं ये बोलूं मैम ठीक है नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब ले लिया, पर अगर मैं बोलूं मुझे बीच में फ्रैक्शंस को भी इंक्लूड करना है ना, मुझे अब फ्रैक्शनल वैल्यूज भी चाहिए, तो ऐसे नंबर्स जिनमें फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आ जाती है मतलब p बाय q फॉर्म, उनको क्या बोल दिया जाता है, उनको रैशनल नंबर बोल दिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान एक प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज usually asked in your exams, ठीक है? So आपसे question ऐसा पूछा जाएगा कि every question will be asked in this form, every let's say every integer is a natural number, और इसका आपसे question पूछा जाएगा true or false। एक question मैंने आपसे ये पूछा और दूसरा question मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि every whole number is a या is an integer। All right, so am I completely audible, visible now? हाँ, बीच में थोड़ा सा लैग होता है, चलो वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू बच्चा। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा एवरी इंटीजर इज द नेचुरल नंबर। अच्छा मैम, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं हमारे पास -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, है ना? और नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स हैं? अगर मैं सारे इंटीजर्स में से -2 को पुट कर दूं, -2 को पिक कर लूं, तो क्या -2 को मैं नेचुरल नंबर भी बोल सकती हूं? नहीं बोल सकती। अगर मैं इसमें से 0 पिक कर लूं तो क्या मैं 0 को नेचुरल नंबर बोल सकती हूं? बिल्कुल नहीं बोल सकती हूं। तो इसका मतलब एवरी इंटीजर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सो हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, वो नेचुरल नंबर नहीं होते। मैं लास्ट में शॉर्टकट भी बताऊंगी ताकि आपको ऐसे वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा है एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी होल नंबर, होल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटीजर में नंबर्स आ जाएंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट? ये इंटीजर्स आ गए। क्या हर एक होल नंबर को मैं इंटीजर बोल सकती हूँ? कैन आई पिक एनी होल नंबर एंड कॉल इट एन इंटीजर? इफ आई पिक 0, यस 0 इज एन इंटीजर। इफ आई पिक 1, यस 1 इज एन इंटीजर। इफ आई पिक 2, यस 2 इज एन इंटीजर। मतलब हर एक नंबर का आंसर यस मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी ट्रू, कि हर एक होल नंबर को हम इंटीजर बोल सकते हैं, दैट मींस इट इज ट्रू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इस चार्ट को ध्यान से देखो, अगर आप अभी भी इस तरीके से अगर आप समझ नहीं पाते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को, सो देयर इज वन शॉर्टकट दैट आई वांट टू टेल यू, कि जब आप इस चार्ट में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आए, उसमें 0 ऐड हो गया, उसका नाम होल नंबर बन गया, नेगेटिव नंबर ऐड हो गए, उसका नाम इंटीजर बन गया, और फिर हमने फ्रैक्शंस ऐड कर दी तो इसका नाम रैशनल नंबर्स बन गया। तो जब आप इस चार्ट में नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? ट्रू। Your answer will be true. Every natural number is a whole number? Yes. Every whole number is an integer? Yes. Every integer is a rational number? Yes. Every rational number is a real number? Yes. ठीक है, समझ में आया? और अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तब आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। आई थिंक अब लॉजिकली भी आप समझ चुके हो और इस तरीके से भी आप दिमाग में इसको बिठा सकते हो ताकि पेपर में क्वेश्चन का आंसर आप गलत ना लिखो। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मैम एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर? फॉल्स। व्हाई? रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शन आ जाती है, फ्रैक्शन को इंटीजर थोड़ी बोलते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? फॉल्स। इंटीजर में नेगेटिव है, पर होल नंबर में नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो हर एक इंटीजर को हम होल नंबर नहीं बोल सकते हैं, सो इट इज फॉल्स। तो वेन वी आर गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी फॉल्स। ओके, सो इस तरीके से आप ऐसे वाले क्वेश्चंस में कभी भी नहीं फंस सकते हो। ठीक है, हमेशा आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए अब रियल नंबर्स की हमने बात कर ली। अब रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब लाइक सारे रैशनल नंबर्स के अंदर क्या कौन कौन से नंबर्स आते हैं, एंड दूसरा कैटेगरी होता है हमारे पास
irrational numbers. Irrational numbers होते हैं जिनको हम P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं. रूट के अंदर अगर हम प्राइम नंबर ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर. रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आए तो दैट बिकम्स एन इरेशनल नंबर. पाई इज ऑल्सो कंसिडर टू बी एन इरेशनल नंबर. अब आगे जाके भी पढ़ेंगे कि और कैसे पहचानते हैं इनको. अब डेसिमल एक्सपेंशन आप पढ़ते हो इस चैप्टर में. डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है कि जब हम इन फ्रैक्शंस को, मतलब पी बाय क्यू को डेसिमल्स में लिखते हैं या फिर रैशनल या इरेशनल को डेसिमल्स में लिखते हैं तो क्या आता है हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस. वन इज टर्मिनेटिंग एंड द अदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग. नाउ टर्मिनेटिंग मींस द दिस डेसिमल, मतलब आफ्टर फ्यू डिजिट्स द नंबर टर्मिनेट्स आफ्टर डेसिमल. ठीक है, फाइव के बाद कुछ नहीं आ रहा है, फाइव के बाद खत्म हो चुका है. सो दिस इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, ये खत्म हो रहे कहीं ना कहीं पर जाके. देन देयर आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि इट नेवर एंड्स. 2.33333333 इट गोज ऑन टिल इनफिनिटी, चलता रहता है. सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेट. 2, 3, 4, 6, 4 एंड इट गोज ऑन. दिस थ्री डॉट्स का मतलब है ये नंबर पे के बाद नंबर के बाद नंबर आता जा रहा है. ठीक है, समझ आया यहां तक. अब यहां पे दो टाइप्स आपको नजर आ रहे हैं. मैम यहां पे रिअकरिंग है. रिअकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है. कई बार रिअकरिंग बोल देते हैं, कई बार रिपीटिंग बोल देते हैं, एक ही बात है. ठीक है, रीअकर करना, रिपीट होना. सो यहां पे थ्री इज रीअकरिंग एवरी टाइम. हियर इट इज कॉल्ड नॉन रिअकरिंग. दैट मींस द नंबर्स आर नॉट रिपीटिंग देमसेल्व्स आफ्टर डेसिमल. द नंबर्स आर नॉट गेटिंग रिपीटेड. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिअकरिंग. इज इट क्लियर? अब मैम कैसे पता चलेगा इसमें से रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? बहुत इजी है. देखो इरैशनल नंबर्स को मैं कैसे याद कराती हूँ अपने बच्चों को. इरैशनल नंबर्स होते हैं जिद्दी बच्चे. ठीक है, जो किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी की बात नहीं समझते हैं, मानते नहीं, अपनी जिद पे अड़े रहते हैं. ठीक है, तो इरैशनल नंबर्स दे आर नॉन टर्मिनेटिंग. दे नेवर टर्मिनेट एंड दे आर नॉन रिपीटिंग. दे नेवर रिपीट. दोनों के आगे ना ना लग गया, नो नो लग गया दोनों के आगे. सो दैट मींस दिस इज बेसिकली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर्स. कभी भी नहीं भूलोगे अगर इस तरीके से कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लोगे. लॉजिकली यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है. अब याद भी तो रखना है ना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में उल्टा रखा है, उल्टा बता दिया एग्जामिनर को. ठीक है, सो इरैशनल नंबर जिद्दी बच्चे हैं. सो ना ही वो रिपीट करेंगे, ना ही वो कभी टर्मिनेट करेंगे. ओके, पर जो रैशनल नंबर्स है वो क्या करते हैं, वो ऐसे थोड़ी बहुत बात सुन लेते हैं ना, कभी कभी बात सुन लेते हैं जो बच्चे. ठीक है, टर्मिनेटिंग तो हमें क्लियर ही है, टर्मिनेटिंग तो सिर्फ रैशनल ही होते हैं, अच्छे बच्चे. और इधर जो टर्मिनेट नहीं कर रहे वो थोड़ी बहुत बात मान के वो बोलते चलो रिपीट तो कर ही लेते हैं, तो वो रिपीट होने के लिए यस बोल देते हैं, पर टर्मिनेटिंग वो नहीं होते. ठीक है, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर्स. एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑलवेज ऑफ रैशनल नंबर्स. इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? बेटा मेंटी होगा एक घंटे के बाद. जिनको सिर्फ मेंटी क्विज करना है वो एक घंटे के बाद आ सकते हैं. ठीक है, जिनको पढ़ाई भी करना है, मेरे साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, चैट में मुझे आंसर्स भी देने हैं, वो मेरे साथ जुड़े रहे टिल वी हैव दैट मेंटी सेशन. ओके, क्लियर ना? सबको समझ आ गया? चलो, डेसिमल एक्सपेंशन इज क्लियर आई थिंक. नाउ लेट्स मूव टू द ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. अब ऑपरेशन तो हर तरह के ऑपरेशंस हम कर सकते हैं. एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, ये सब किया जा सकता है रैशनल और इरैशनल नंबर्स के ऊपर. ठीक है, चलिए आगे. रैशनलाइजेशन, अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर. रैशनलाइजेशन पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा. रैशनलाइजेशन क्यों की जाती है? रैशनलाइजेशन नाम से क्या समझ आ रहा है कि वी आर कन्वर्टिंग सम इरैशनल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर, राइट?
हम हमेशा याद रखना, जब भी आप आंसर देते हो, whenever there are irrational numbers present in the denominator of a fraction, ठीक है, तब उसको हमेशा रैशनलाइज किए बिना आपको आंसर नहीं देना एग्जाम में, चाहे आप क्लास 10th में हो जाओ, 11th में हो जाओ, 12th में हो जाओ, हमेशा यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसीलिए आपको सिखाया जाता है, उसको अंडरस्टैंड करना बेटर हो जाता है, आंसर को समझना बेटर हो जाता है, तो हमेशा हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, देखो आई थिंक ये सबने पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी आपको रिवाइज करा रही हूं यहां पे सिंस इट इज अ क्रैश कोर्स। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, सपोज डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह का हमारे पास इरेशनल नंबर यहां पे पड़ा है ना, रूट वाला नंबर पड़ा है, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये इरेशनल से रैशनल बन जाए, इसमें कोई भी रूट वाला टर्म ना रह जाए। तो हम क्या करते हैं, बस ये साइन को बदल देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस रूट बी है, तो हम a माइनस रूट बी के साथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बोला जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, या फिर इसको कॉन्जुगेट भी बोला जाता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है साइन रिवर्स कर दो, ठीक, इज इट क्लियर। तो देखो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन सा आइडेंटिटी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें पता है रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, बन गया ना रैशनल फॉर्म, बन गया ना, रैशनलाइज कर दिया हमने। इसको भी यही करेंगे, अगर यहां पे माइनस है तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन बदल के, इसके कॉन्जुगेट के साथ, साइन चेंज कर दिया, फिर से ए माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगेगा, ये बन जाएगा, अगेन आई एम चेंजिंग द साइंस हियर। बस इतना सा चीज आपको सीखना है, बाकी क्वेश्चंस के साथ हम करेंगे, हो जाएगा सॉल्व। चलो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, क्विकली लाइक द सेशन एवरीवन, क्विकली लाइक द सेशन बच्चा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप्स क्या होते हैं रैशनलाइजेशन के, देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, फाइंड द कॉन्जुगेट और रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें जो भी डिनोमिनेटर में है उसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट निकाल देना है, उसके बाद उस कॉन्जुगेट को वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब जो साइन चेंज करके हमने फैक्टर बनाया, एंड देन सिंप्लीफाई कर देना एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो ये आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में और आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, आई थिंक यू आर ऑल आर अवेयर ऑफ दीज लॉज। अब आपको सबको ये लॉज का पता है, ये भी आपके टिप्स पे होने चाहिए। व्हेन द बेसिस आर सेम्स, व्हेन द बेसिस आर सेम एंड द नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो पावर्स क्या हो जाती है, एड हो जाती है। जब बेस सेम है, ए रेज टू द पावर एन टू द पावर एन, ठीक है, तो पावर्स आपस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई द पावर्स, ठीक। यहां पे भी बेस सेम है, ए है ए है, पर डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स, राइट, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। व्हेन द बेसेस आर डिफरेंट, नाउ वी हैव डिफरेंट बेसेस ए एंड बी बट द पावर्स आर सेम, तो हम क्या करते हैं, वी कंबाइन द बेसेस, बेसेस को मल्टीप्लाई करके उनके ऊपर कॉमन पावर लगा देते हैं, तो इसका रिजल्ट ये आता है, ए रेज टू द पावर जीरो इज ऑलवेज वन, है ना, वन अपॉन रेसिप्रोकल जब हम लेते हैं, वन अपॉन ए रेज टू द पावर एन, जब मुझे इसको ऊपर लिखना है, न्यूमरेटर में लेके आना है, तो पावर में माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। देन अंडर रूट, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एनथ रूट ऑफ ए, जब इसको हमने कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ए को ऐसे रखेंगे, एनथ रूट का मतलब है पावर में वन बाय एन हो जाते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में वन बाय टू, अगर क्यूब रूट है, अगर यहां पे सपोज क्यूब रूट लेना है तो पावर में वन बाय थ्री होता है, तो अगर nth रूट है तो पावर में वन बाय एन हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब ये है कि अंदर आपके पास a रेज टू द पावर m है, बाहर n है। सबसे पहले इसको चेंज करो, ये nth रूट होगा, तो मतलब a रेज टू द पावर m का पावर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन n। जब ये दोनों पावर्स हैं, वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू पावर्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये a रेज टू द पावर m अपॉन n। इज इट क्लियर बच्चा, सबको समझ में आ रहा है, यस। चलो
अब क्वेश्चंस करते हैं. अब नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली. चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है. चलो मैच करते हैं. यहां पे कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है? अगर मैं इसको ए बोल दूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो लगाओ यहां पे आइडेंटिटी. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस रूट टेन का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा थ्री थ्री नाइन माइनस रूट टेन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा. और ये बन जाएगा माइनस वन. तो फर्स्ट वाले का हम फर्स्ट वाले को मैच कर देंगे किसके साथ? माइनस वन के साथ. देन 32 रेज टू द पावर 1.5 इसको कैसे करेंगे? Anyone? 32 raised to the power 1.5. तो कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर में 5 करके 32 आता है? बिल्कुल है. अगर मैं 2 की पावर 5 करती हूं तो दैट इज बेसिकली 32. और बाहर पावर में क्या आ रहा है? 1/5. तो वी नो दैट कि ऐसे पावर्स आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है. तो 5 के साथ 5 कैंसिल आ गया तो आंसर बन गया 2. तो मतलब बी का आंसर आ रहा है हमारा 2. चलो बहुत बढ़िया. देन What about C part? C part कौन करेगा? C का आंसर क्या बन रहा है? चलो C निकालते हैं. आप C part 2 plus root 3 divide by 2 minus root 3 minus 4 root 3. बताओ कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे हमें दिख रहा है कि मैम डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा. तो रैशनलाइज करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? हम कॉन्जुगेट के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. कॉन्जुगेट कैसे आता है? डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके. तो इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास 2 प्लस रूट 3 है और नीचे 2 माइनस रूट 3 है तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? साइन चेंज कर दो डिनोमिनेटर का. तो 2 प्लस रूट 3 के साथ यहां पे मल्टीप्लाई होगा और 2 प्लस रूट 3 के साथ यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे. और माइनस 4 रूट 3 को मैंने ऐसे ही लिख दिया. ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं. अगर आगे सॉल्व किया तो ये क्या बन गया? देखो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 ये बन जाएगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर. और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 साथ में लिख दिया. अब ये क्या बन जाएगा? ये इसको ओपन करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय ये बन गया 2 स्क्वायर इज 4 माइनस रूट 3 स्क्वायर इज 3 माइनस 4 रूट 3. अब ये तो 1 नहीं बन गया नीचे, तो ऊपर क्या आ गया? 4 5 6 7 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 ये कैंसिल हो गया. तो आपका फाइनल आंसर बन गया है 7. तो दैट मीन्स इसको हम मैच करेंगे 7 के साथ. नाउ व्हाट अबाउट फोर्थ वन? फोर्थ वन का आंसर कौन निकालेगा? फोर्थ वाले का आंसर किसने निकाला? 16 अपॉन रूट 41 माइनस 5. तो फोर्थ वाला है हमारे पास 16 अपॉन रूट 41 माइनस 5. उसके बाद क्या है बेटा? माइनस रूट 41 की प्लस रूट 41 माइनस रूट 41. चलो इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ मुझे कैसे करेंगे. अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 16 को मल्टीप्लाई कर देते ऊपर रूट 41 प्लस 5 से, और नीचे भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 41 माइनस 5. किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? रूट 41 प्लस 5 से, है ना. ये कॉन्जुगेटिंग फैक्ट, ये कॉन्जुगेट बन गया इसका. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस रूट 41 को ऐसे लिख दिया. अच्छा ये क्या बन जाएगा? अब ऊपर बन गया 16 रूट 41 प्लस 16 फाइव 80, और नीचे क्या बन चुका है हमारे पास बेटा? नीचे आ चुका है हमारे पास रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. रूट 41 का स्क्वायर इज 41 माइनस हमारे पास आ जाएगा 25, और यहां पे आ गया माइनस रूट 41. अब इसको सॉल्व करते हैं. 16 को 16 बाहर भी रहने दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. इसको ऐसे भी रहने दो तब भी आपका इजी हो जाएगा. नो नीड टू ओपन द ब्रैकेट.
ओपन कर भी लिया तब भी आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो तो ये बन गया आपके पास 16 इंटू रूट 41 प्लस 5 और नीचे बन गया आपके पास 16 माइनस रूट 41। 16 के साथ 16 कैंसिल, ये बन गया रूट 41 प्लस 5 माइनस रूट 41, राइट, ये भी कैंसिल। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, 5 आ चुका है। ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज 5। चलो तो ये 4 पार्ट हमने कर दिए सॉल्व, शाबाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन्स। राइट 5 1/7 इन इट्स डेसिमल फॉर्म एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, तो अगर मुझे 5 1/7 को कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 7 5 35 + 1 36 डिवाइड बाय 7। तो चलो डिवाइड करते हैं, अब 36 को 7 के साथ डिवाइड करना है। 7 5 35 1 डेसिमल लगाया, 0 आ गया। 7 1 7 3 0 7 4 28 2 0 है ना, फिर 7 2 14 6 0 7 8 56 4 0 then 7 5 35 5 0 है ना, उसके बाद 7 7 49 1 यहां पे भी हमने 1 से स्टार्ट किया था, देखो ध्यान से, यहां पे भी 36 माइनस 35 1 आया था, अब यहां पे फिर से 1 आ गया, फिर 10 बन जाएगा, फिर से ये रिपीट होगा, फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, 7 1 7 फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर यही रिपीट होगा। तो इसका मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन चुकी है, 5.142857 बार। So, ये कैसा डेसिमल है, अब हमें पता चल रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दैट मींस यहां पे हमें प्रूफ मिल गया कि ये हमारा एक रैशनल नंबर था, इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा, जब मैंने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाली, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो ये नॉन रिपीटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, पर रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन का भी जल्दी से आंसर निकालो, क्या आंसर आएगा? यस एवरीवन, तो यहां पे अगर देखा जाए 625, तो 625 रेज टू द पावर, देखो ये तीन पावर है, पावर की पावर, पावर की पावर, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, पावर्स क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहां पे क्या बन जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास रह गया 625 रेज टू द पावर 1/4। अब ऐसा कोई नंबर है जिसकी पावर में 4 करें तो वो 625 बने? बिल्कुल है, 5 रेज टू द पावर 4 इज 625। तो अगर हम इसको बाहर निकालेंगे, अब फिर से 1/4 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दे विल गेट कैंसल्ड आउट, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 5। तो 5 विल बी द आंसर। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि मैम 25 का स्क्वायर लिख लेता हूं और उसके बाद उसकी पावर क्या है, -1/2, ठीक है, और उसके बाद उसकी पावर क्या है, -1/4, और उसके बाद उसकी पावर क्या है, स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे क्या होता, तो 25 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाता, तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता 25 है ना, फिर उसके बाद ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता 25 और ऊपर आ जाता -1 और ये अपने पास 1/4 और 2, तो ये फिर से आपके पास -1/4 -1, तो ये फिर से 2 बन जाता, तो 25 की पावर देखो 1/2 आ गई, ये फिर आप 5² × 1/2 भी कर सकते थे, आंसर फिर भी 5 आएगा। आप जैसे मर्जी अप्रोच फॉलो कर लो, आंसर आपको 5 ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये एक्सप्रेस करने वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है. चलो यहां पे देखो, एक्सप्रेस 0.39999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसको आपको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है. ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाएंगे एग्जाम में, है ना. चलो तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो. सबसे पहले हम मान लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.3999 एंड सो ऑन. अब यहां के लिए मैं एक आपको शॉर्टकट बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. सबसे इजी मेथड बताऊंगी ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी ना हो, ठीक है. वो इजी मेथड क्या है, देखो. इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये है 0.39 बार, है ना. इसका मतलब ये है, आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ऐसे इतनी जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करना है जितने डिजिट्स के ऊपर बार है, ठीक है. जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, सो मल्टीप्लाई. देखो नंबर ऑफ जीरोस कैसे आएंगे, देखो यहां पे मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूं. देखो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग वाला पार्ट होना चाहिए. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ऐसे क्वेश्चन को करने का एक सबसे सिंपल तरीका क्या है वो छोड़ो जो मैंने बोला. एक काम करो, डेसिमल के बाद सिर्फ बार आना चाहिए, सिर्फ रिपीटिंग वाला पार्ट आना चाहिए, उसके अलावा नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट नहीं आना चाहिए. इस हिसाब से मुझे बताओ कि कौन से नंबर के साथ मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ. बोथ साइड कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग वाला पार्ट रहे. मुझे सिर्फ डेसिमल के बाद 9999 चाहिए, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, डेसिमल को कितना जंप करा सकती हूँ, 1 जंप करा सकती हूँ. तो इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा मेरे पास, बताओ. इधर बन जाएगा 10x और इधर क्या बन जाएगा, 10 के साथ 1 जंप कराया, 3.9 बार. अब मुझे फिर से एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है ताकि डेसिमल के बाद सिर्फ बार रहे. अब क्या करेंगे बताओ, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मल्टीप्लाई, अब तुम लोग मुझे बताओ, मुझे डेसिमल के बाद बार ही चाहिए, मल्टीप्लाई बाय डैश ऑन बोथ साइड्स. अब बताओ, यस, यहां पे इक्वेशन का नाम भी लिख देती हूं, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 1. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ठीक है. बताओ इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, बताओ. आप बोल रहे हो कि नो नीड टू मल्टीप्लाई, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी एक तरीका है, पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चे उस वाली कैलकुलेशन में गलती करते हैं, तो मैंने ऐसा मेथड बता रही हूं जिसमें गलती होने का चांस ही खत्म कर दिए. जिसको वो करना है वो कर सकते हो, डायरेक्टली इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अगर आपको ईजी लगता है, बट मैं वो वाला मेथड नहीं बता रही हूं. इससे भी आसान, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों, क्योंकि जब मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 जंप 2 जंप, तो इस जंप के बाद फिर से मेरे पास 999 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो यहां पे बन जाएगा 100x और यहां पे बन जाएगा 1 2 जंप किया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 39.9 बार. बस अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बात खत्म. ये हमारा इक्वेशन 2 है, ये हमारा इक्वेशन 3 है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. तो क्या आंसर आया जल्दी से बताओ मुझे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा. देखो 100 में से 10 गया, ये बन जाएगा, यहां पे मैं लिख रही हूं 100x, नीचे है हमारे पास 10x इक्वल्स टू, यहां पे है हमारे पास 39.9 बार और नीचे हमारे पास 3.9 बार, ठीक है. जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये बन गया 90x और यहां पे बन गया 39 - 3, दैट इज 36. ये 9 और 9 तो कैंसिल हो गया, ये 0 बन जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 36/90, है ना, यही बना सबका, यस और नो. तो क्या आंसर आया लास्ट आंसर 2/5. मैम दिस स्टेप इज हाँ, देखो मैंने क्यों मल्टीप्लाई कराया, देखो दूसरा तरीका क्या है जो आप लोग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को भी माइनस कर सकते हो, फर्स्ट वाली इक्वेशन को और सेकंड वाली इक्वेशन को भी माइनस कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर.
ठीक है, पर मैंने क्या किया है, क्योंकि हमें पता है जीरोस के साथ सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा 999 की बजाय हमें जीरोस वाले ज्यादा इजी लगते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता है, तो आपको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ताकि डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग वाला पार्ट रहे। अब तुम नोटिस करो यहां पर डेसिमल के बाद भी 9 बार है, जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितने जंप लाएंगे, 1, 2, जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 जंप, तो डेसिमल यहां आ जाएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जंप, तो यहां की बजाय यहां पे आ जाएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है, तो इससे क्या होगा, डेसिमल के बाद 9999 रिपीटिंग वाला पार्ट, इसके बाद भी डेसिमल के बाद 999, ये देखो यहां पे भी 999, यहां पे भी 999, जब आप दोनों को कैंसिल करोगे तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोई टेंशन ही नहीं, सही आंसर आएगा हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इस पे ट्राई करते हैं, चलो अब इस पे मुझे बताओ किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चलो शाबाश जल्दी से बताइए मुझे, x को मान लेते हैं हम 0.435 बार, ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.4353535 एंड सो ऑन। चलो अब मुझे बताओ इस इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, यस किसके साथ मल्टीप्लाई करें, वेरी गुड अर्पित, शाबाश बेटा, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ बाय, अखिलेश कहता 100 के साथ कर दो, अखिलेश अगर 100 के साथ कर दिया तो मुझे बताओ डेसिमल के बाद रिपीटिंग वाला पार्ट रहेगा कि नहीं, अखिलेश बोल रहा है मैम 100 के साथ कर दो, चलो पहले मैं अखिलेश की बात सुन के देखते हैं कि अखिलेश के बोलने पे क्या हो गया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देती हूं तो कितने जंप करने हैं, 2 जंप्स, तो डेसिमल पहले 1 जंप देन 2 जंप, तो डेसिमल यहां पे आ जाएगा, ये तो अखिलेश ये बन गया 53 53 53, ये तो कुछ और ही बन गया, हमें तो 353535 चाहिए था, ये तो गलत हो गया, नहीं हमें डेसिमल के बाद सेम करना है, ठीक है, तो हम कितने जंप करेंगे, अगर हमने एक जंप और किया होता, अगर हमने एक जंप और किया होता, मतलब अगर मैं 1000 से कर देती इसको, 1000 से 1 जंप 2 जंप 3 जंप, तो हम यहां पे पहुंच जाते, 1000 से कर देती तो मेरे पास आ जाता 435, डेसिमल के बाद आ जाएगा 353535 एंड सो ऑन, बात बन गई 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती तो क्या होता, बताओ अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती तो क्या होता, यस तब भी तो डेसिमल के बाद सेम चीज बन रही है, चलो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 10 से मल्टीप्लाई किया डेसिमल सिर्फ 1 टाइम शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा 4.353535 एंड सो ऑन, तो 10 से मल्टीप्लाई करके ये आया, ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो कितना इजी हो गया, ये बन गया 990x और ये पूरा तो कैंसिल ही हो गया, यहां पे क्या बन गया 431, सो द फाइनल आंसर इज 431 डिवाइड बाय 990, बात खत्म, बात खत्म। y का आंसर बेटा मैंने बहुत बार दे दिया है, बच्चे दोबारा से सुन लो लास्ट टाइम, y क्यों, हमने क्यों मल्टीप्लाई किया 1000 से, क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद सेम रिपीटिंग नंबर चाहिए था, 10 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, डेसिमल के बाद सेम रिपीटिंग नंबर चाहिए था, ताकि जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं ये रिपीटिंग नंबर्स माइनस हो जाएं, तो आपको ऐसे सोचना होता है ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि डेसिमल के बाद वाला जो रिपीटिंग वाला पार्ट है जो मुझे तंग कर रहा है उसको माइनस कर देते, वो सब्ट्रैक्ट हो जाए ताकि हमारे पास फ्रैक्शन बन जाए फटाफट से, बस इतना सारा कॉन्सेप्ट है यहां पर, ठीक है, तो 1 जंप करने पे भी 3535 आ रहा है और 3 जंप्स करने पे भी 3535 आ रहा है, अगर शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट ये होता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 1, 2, 3 डिजिट्स आर देयर, इसलिए 1000 के साथ, और बिना बार के कितने डिजिट है, 1 डिजिट, इसलिए 10 के साथ, ये भी आप हिंट ले सकते हो अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो, ठीक है, 10 से किया तो है मल्टीप्लाई अखिलेश, 10 से भी किया है। चलो आगे बढ़ते,
up. Now you know that Byju's Quizmaster is happening on 28 January. Make sure if you haven't registered for this test, make sure this quiz, to iske liye register kar lo. The registration link is in the description box. Aur agar register nahi kiya hai, to session ko zarur dekhne aana hai, theek hai? Chalo, next question. Isko evaluate karna hai. क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है. पॉज करो वीडियो को और इसको इवैल्यूएट करो जल्दी से. 9 raised to the power 1/3. तो जब भी 1/3 है तो क्या मैं इसको किसी की पावर में 3 या 3 बेस का बना सकती हूँ? बेस बनाने की इक्वल करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नीचे 3 है 3 है, ऊपर 9 है 27 है, दोनों का बेस 3 बन सकता है. तो 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 square, क्योंकि ऊपर 1/3 था तो मैंने चलो यहाँ पे 1/3 लिख दिया. मल्टीप्लाई बाय 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 cube और उसकी पावर में है -1/2. और बेस में क्या है? डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 raised to the power 1/6 इंटू 3 raised to the power -2/3 है. चलो आगे चलते हैं. पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऊपर बन जाएगा 3 raised to the power 2/3. पावर्स मल्टीप्लाई हो गई है, ये बन जाएगा 3 raised to the power -3/2 और नीचे क्या बन जाएगा? बेसिस आर सेम तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो 1/6 -2/3. अच्छा, ऊपर भी पावर्स बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 2/3 -3/2 और नीचे क्या आ रहा है? 3 raised to the power, ये 6 LCM आ गया इसका, ये बन जाएगा 1 - 4, ठीक है. और ऊपर क्या बन गया बेटा? 3 की पावर में 6 LCM आ गया और ये बन गया 3 2s are 6 2 2s are 4 -9 और नीचे क्या बन चुका है हमारे पास? -3/6. तो ये आ गया हमारे पास 3 raised to the power -5/6 और नीचे आ गया 3 raised to the power -1/2. 3 2s are 6 होता है ना. चलो अब यहां पे क्या बन जाएगा? बेसिस आर सेम तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. ये -5/6 न्यूमरेटर वाली पावर एज इट इज रह जाती है, डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है. तो ये क्या बन गया? 3 की पावर में 6 LCM ले लेते हैं तो ये आ जाएगा -5 + 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर में आ गया -2/6, दैट इज 3 raised to the power -1/3 इज द फाइनल आंसर. इज इट क्लियर? देखो जरा सबका यही आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, सबका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं? यस. चलो बेटा, यूट्यूब का यही सबसे बड़ा फायदा है कि जब आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन वॉच दैट क्वेश्चन 100 times इफ यू वॉन्ट, ठीक है. तो देखो, हर बच्चे का हर क्वेश्चन को समझने का पेस अलग होता है, तो खुद को पता होता है कि यार मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे पता है कि इस वाले क्वेश्चन को मुझे शायद बार बार देखना पड़ेगा तो मैं ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा. और हो सकता है वो वाला क्वेश्चन किसी दूसरे बच्चे को एक ही बारी में समझ आ जाए, ठीक है. तो अपने हिसाब से मोल्ड करके सेशंस को देखा करो, ठीक है. तो जिसको जो क्वेश्चन नहीं समझ आता वो क्वेश्चन को दोबारा देखेगा, जिसको जो क्वेश्चन समझ में आ जाता है और उसका आंसर भी आ जाता है वो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकता है, ठीक है. चलो, तो अपना टाइम यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए कि किस क्वेश्चन पे मुझे कितना टाइम लगाना है, और वो हर बच्चे के हिसाब से डिपेंड करता है. इट्स डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A is 3 + 2√2 and the value of A minus 1 upon A is. अच्छा, A का वैल्यू आपको दे रखा है 3 + 2√2. 1 upon A चाहिए क्वेश्चन के अंदर. क्या हम 1 upon A का वैल्यू निकाल सकते हैं? दैट इज 1 upon 3 + 2√2. सिंस डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल नंबर है तो वी हैव टू रैशनलाइज इट. तो ये बन जाएगा 3 - 2√2. तो ये आपके पास बन जाएगा, नीचे आ जाएगा a + b into a - b, दैट इज a² - b² और ऊपर क्या है? 3 - 2√2. तो ये क्या बन गया? देखो, ये बन गया 3 - 2√2 और नीचे आ जाएगा 3² - 9 - 2 × √2² क्या होता है? देखो, 2 × √2² मतलब 2 × √2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2s are
4 होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2 होता है, तो 4 टू 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, यहां से डायरेक्टली भी कर सकते हो, 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 इंटू 2 इज 8, तो ये बन गया 3 माइनस 2 रूट 2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a। तो ये 1 अपॉन a का वैल्यू है, ये a का वैल्यू है, और आपको क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपॉन a, तो a माइनस 1 अपॉन a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 4 रूट 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। जीरो नहीं आ रहा है, चेक करो। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ सुपर अमेजिंग टेस्ट हैपनिंग फॉर यू ऑल। ठीक है, तो एक आप लोगों के लिए पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है, फ्री टेस्ट है, बायजूस ट्यूशन सेंटर में कंडक्ट कराया जा रहा है एंड वीकेंड्स पे हो रहा है, ताकि आप इजीली जाके टेस्ट दे सको। ठीक है, अगर आप अभी भी डाउट में हैं कि मुझे करियर में क्या करना है, मुझे बड़े होके क्या बनना है, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं ये वाला करियर पिक करूंगा क्या वुड आई बी एबल टू यू नो बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर करियर, क्या मैं उस करियर में आगे एक्सेल कर पाऊंगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ पे है, इस टेस्ट को देके आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको कौन से एक 15 पेजेस का पूरा एक रिपोर्ट तैयार कर दिया जाएगा आपके लिए, आपका कौन सा स्किल अच्छा है, आपका कौन सा सब्जेक्ट पे होल्ड है, आपके कौन से एरियाज वीक हैं, आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए, तो सब आपको एक डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इस टेस्ट में अपीयर हो। ठीक है, क्योंकि फ्री है पहली बात, तो दूसरा इस टेस्ट को देख के किसका फायदा है, सिर्फ आप लोगों का फायदा है। ठीक है, सो मेक श्योर यू एनरोल इनटू दिस टेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो जस्ट गिव इट, गिव दिस टेस्ट, क्या फर्क पड़ता है, आपको खुद के बारे में क्लैरिटी ही मिलेगा। और हो सकता है कि अगर आपका कुछ ऐसा है कि मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूं जिसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए, और आपको इस टेस्ट को देके पता चले कि हाँ यार हो सक मेरा वो तो वीक है, तो यू हैव टाइम टू वर्क ऑन दो स्किल्स, है ना, ताकि आप उस करियर को भी एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्ट कर सको। ठीक है जी, सो मेक श्योर कि आप यहां पर इस टेस्ट को जाके जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन्स, सत्यम मेंटी के दौरान बात करेंगे, अभी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अभी सीरियस टाइम चल रहा है ना, तो बातें करने का इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो अभी हम अच्छे से सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, एंड आप लोग भी बातों पे ध्यान नहीं देना है, सीरियस होके यहां पे आए हो, तो मुझे पता है कि आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, आपका कुछ टारगेट है जो आपको अचीव करना है। ठीक है, सो मेक श्योर व्हेन यू आर कमिंग टू द सेशंस, तो ये नहीं सोचना है कि मैम बातें नहीं कर रही है हमारे से, बातें क्यों करनी है, हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई करेंगे, मेंटी जब होगा तो बीच बीच में बातें भी कर लेंगे। ठीक है, अभी पढ़ाई करते हैं फुल ऑन। चलो, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म, इसका आंसर निकालो बेसिकली, इसको इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखिए, इन द फॉर्म पी बाई, यहां पे आएगा आधा, यहां पे पी बाई क्यू आएगा, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, और इसका मुझे फाइनल आंसर बताइए कि क्या आएगा। मेंटी होगा लास्ट में, 15th क्वेश्चन के बाद आपके 15 क्वेश्चन मेंटी क्विज होंगे। चलो जी, जल्दी से इसका आंसर आ जाए। चलो, अब मैं अलग अलग से सॉल्व करती हूँ, आई थिंक आप लोगों ने भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। 0.4 को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, 0.7 बार को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, और 0.27 बार को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। चलो, 0.4 को लिखना तो बहुत ईजी है, 4/10 दैट इज 2/5 हो गया। अच्छा, 0.7 को कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कि मेरे पास x है 0.7, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 10x के साथ, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, ये बन जाएगा 7.7 बार।
ऐसे ही होगा ना, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.777 एंड सो ऑन, ठीक है, तो ये बन जाएगा 7.777 एंड सो ऑन, ठीक है, दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट, इसको बोला इक्वेशन टू, इसको बोला इक्वेशन वन, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया टू में से वन, तो 10 माइनस एक्स इज 9x और इसको माइनस करेंगे तो बनेगा 7, तो x का वैल्यू आ गया 7/9, ठीक है, तो यहां पे ये आ चुका है, फिर इसका वैल्यू आ चुका है, अब थर्ड वाले को भी चेंज कर लेते हैं, इसको बोल देती हूँ कि मान लेते हैं कि ये y है, चलो इसको p by q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या सिखा है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं पहले तो उतने जीरोस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर मैं y को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन जंप टू जंप, तो यहाँ पे बन जाएगा 27 बार, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू, दोनों को किया सब्ट्रैक्ट, आपके पास ये बन गया 90y और यहाँ पे आ गया 27 माइनस टू दैट इज 25, तो y का वैल्यू आ गया 25/90, तो इसको जरा बताओ किस पे जाएगा ये, हाँ जी किस पे जाएगा ये, 5 5 25 और ये बन जाएगा 5/18, ठीक है, तो बस फाइनल में आपको क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, चलो अब तीनों को ऐड कर देते हैं, लेट्स एड ऑल थ्री, तो एक आपके पास बन गया 2/5 प्लस एक आपके पास आ चुका है 7/9 प्लस एक आपके पास आ चुका है 5/18, एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों, एलसीएम क्या आ रहा है यहां पर, 90 एलसीएम आ गया सबका, सो 5 18 18 2 36, 9 10 10 9 10 और ये बन जाएगा 70, 18 यहां पे आ गया आपके पास 5 5 5 25, क्या बना ऊपर 5 6 11, सो ये बन गया 7 8 9 10 11 12 13, सो 131/90, ये सबका आंसर आ गया, गुड इवनिंग कृतिका, चलिए सो ये है आपका आंसर, क्विकली हिट द लाइक बटन एवरीवन, जल्दी से सारे बच्चे लाइक कर दो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे प्रूव वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा में भी देखने को मिलेगा, चलो ऑल राइट, तो इसको कैसे करोगे, देखो बेसिस सेम सबको दिख रहे हैं, एक्स और एक्स, यहां पे भी बेस सेम है, यहां पे भी बेस सेम है, बेस सेम है, नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कैन आई राइट इट लाइक दिस, एक्स एक्स रेज टू द पावर ए माइनस बी और पावर में क्या है सी, मल्टीप्लाई बाय, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो इसको एक्स की पावर बी माइनस सी लिख सकते हैं, रेज टू द पावर ए मल्टीप्लाई बाय, अगेन बेस इज सेम तो c माइनस ए रेज टू द पावर b, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूं, ये वाला स्टेप सबको समझ में आया, यस, अच्छा अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, x को कॉमन नहीं ले सकते हैं बेटा, क्योंकि हर एक x की पावर्स अलग है, सो वी कैन नॉट टेक x कॉमन, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको पता है x की पावर में a माइनस बी है, उसकी पावर में c है, तो हमें क्या पता है कि a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n किसके बराबर होता है, a की पावर mn, तो अब हम ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप मैं व्हाइट कलर से लिख रही हूं, अब यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर c इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इंटू ए माइनस बी, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, अब यहां पे भी यही होगा, a b माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो b c माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां तक सबको समझ में आया, ये वाला रूल लगाया हमने एक्सपोनेंट का, ठीक है, अब देखो, अब लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो c इंटू ए बन जाएगा c a माइनस सी बी मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर a इंटू बी माइनस a इंटू सी मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर b इंटू सी माइनस a इंटू बी, अब फिर से
bases are same and the numbers are getting multiplied, तो powers क्या हो जाएंगी? Add हो जाएंगी. Base same है, x है इसका भी base, इसका base भी x है, इसका base भी x है. तो base common है, तो x लिख दिया, ठीक है? और powers सारी की सारी add हो जाएंगी. तो हमारे पास बन जाएगा सी ए माइनस सी बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी. अब पावर्स को मैंने ऐड कर दिया, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है. माइनस ए सी प्लस ए सी, माइनस सी बी प्लस सी बी, माइनस ए बी प्लस ए बी, सारी पावर्स कैंसिल होगी तो हमारे पास बच गया x रेस टू द पावर जीरो, दैट इज इक्वल टू वन. ठीक है, सो इसलिए हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. Now this question is super easy. जल्दी से इसका आंसर बता दो. बस आपको डेसिमल एक्सपेंशन देखना है और मुझे बताना है कि क्या ये नंबर्स रैशनल हैं या फिर इरैशनल हैं. क्वेश्चन नंबर 15 के बाद वी विल स्टार्ट द मेंटी क्विज, डोंट वरी अबाउट दैट. चलो देखिए बताओ, अगर हम ए पार्ट की बात करें तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 डिवाइड बाय 10, अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, ठीक है? तो क्योंकि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन ही टर्मिनेट करती है. अगेन नेक्स्ट वाले उसमें देखे तो यहां पे भी ये टर्मिनेट कर गया. देखो इसके बाद कुछ भी नहीं है, 3 डॉट्स भी नहीं लगे हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अगर ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दैट मींस ये भी क्या हो जाएगा? पक्का पक्का ये भी एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है? चलो तो ये भी रैशनल नंबर हो गया. व्हाट अबाउट दिस? अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें पता है 216 होता है 6 × 6 × 6, है ना? 6 क्यूब होता है 216, तो एक 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 1/36. इसको बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा 1/6. नाउ ऑब्वियसली दिस इज अ रैशनल नंबर. पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, P by Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो दैट मींस डेफिनेटली इट इज अ रैशनल नंबर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू निकालनी है आपको इसकी. अब ये क्वेश्चन ऐसे देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, आपने इन तीनों टर्म्स को अलग अलग ट्रीट करना है. इस वाली टर्म को भी रैशनलाइज कर लो, इस वाली टर्म को भी रैशनलाइज करो, ठीक है? इस वाली टर्म को भी रैशनलाइज करो. चलो जल्दी से, जल्दी से इन टर्म्स को रैशनलाइज करो और फिर ऐड करो. बच्चा आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, आप तब तक इसको सॉल्व करो, ठीक है? आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, जल्दी से इसको सॉल्व करो, मैं आके ही इसको सॉल्व करूंगी, ठीक है? लेट मी जस्ट गेट सम वॉटर.
Okay. So, have you solved this question? सॉल्व कर लिया क्वेश्चन सबने? चलो सबसे पहले वाली टर्म को रैशनलाइज करते हैं, तो ये क्या बनेगा? देखो 7 रूट 3 डिवाइड बाय, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? रूट 10, साइन चेंज कर दो, तो रूट 10 माइनस रूट 3, नीचे भी रूट 10 प्लस रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 10 माइनस रूट 3। ठीक है, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ तीनों टर्म्स को। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का साइन 2 रूट 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? नीचे वाली टर्म, नीचे वाले उसका डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर दो, तो माइनस रूट 5। नीचे भी क्या हो जाएगा? रूट 6 प्लस रूट 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? रूट 6 माइनस रूट 5। चलो थर्ड टर्म क्या है? माइनस का साइन 3 रूट 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? साइन चेंज करते हैं डिनोमिनेटर का, रूट 15 माइनस 3 रूट 2। और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास? रूट 15 प्लस 3 रूट 2 इंटू रूट 15 माइनस 3 रूट 2। यहां तक सबको समझ में आया? यस और नो? यहां तक सबको समझ में आया? तीनों टर्म्स को मैंने रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहां पर क्या बनेगा? लेट्स ट्राई टू मल्टीप्लाई द न्यूमिरेटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 7 रूट 30, है ना? रूट वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 टेन 30, फिर 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस माइनस 7, 7 इंटू 3, तो ये बन जाएगा माइनस 7 इंटू 3। क्यों? रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, 7 इंटू 1 7 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? रूट 10 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। आई होप दिस फर्स्ट टर्म इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन नेक्स्ट टर्म देखते हैं, माइनस, यहां पे क्या आ गया? लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू, तो ये बन जाएगा 2 रूट 30, और ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 5 डिवाइड बाय, यहां पे क्या बन गया? रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड टर्म पे आ जाते हैं, माइनस एज इट इज लगा दिया मैंने, यहां पे आ जाओ, इनको मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन गया? 3 रूट 30, और यहां पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस, ये बन जाएगा 3 3 इज 9 और 9 इंटू 2। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? रूट 15 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो फिर। अब यहां पे क्या बना? यही बन रहे। चलो अब ये बन चुका है आपके पास 7 रूट 30 माइनस 21 डिवाइड बाय 10 माइनस 3, दैट इज 7। 7 के साथ ऊपर डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट 30 माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई। सेकेंड वाला सिंप्लीफाई करते हैं। सेकेंड वाला सिंप्लीफाई किया तो यहां पे क्या बन गया? माइनस 2 रूट 30, और ये क्या बन गया? अब ये ब्रैकेट के अंदर है, अभी ये ध्यान रखना, ठीक है? ब्रैकेट ओपन नहीं किया मैंने। ये बन गया माइनस 10, और नीचे क्या बन गया हमारे पास? 6 माइनस 5 दैट इज 1। चलो अब ये वाला आ जाओ, माइनस इधर क्या है हमारे पास? 3 रूट 30, और ये क्या बन गया? माइनस 18 डिवाइड बाय, नीचे क्या बन गया? 15 माइनस 3 3 9 2 18, तो नीचे आ गया 15 माइनस 18 दैट इज माइनस 3। चलो अब इसको भी सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करके बन जाएगा माइनस 2 रूट 30 माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है, अब लास्ट वाली उसमें हूँ, लास्ट वाली लाइन सॉल्व कर रही हूँ। चलो अब यहाँ पे क्या बन गया? ये नीचे बन जाएगा, देखो सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा माइनस 3। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा हमारे पास, ये माइनस 3 बन गया। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, देखो क्या क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 रूट 30 माइनस 18 अपॉन 3, 3 के साथ ये 3 कैंसिल, 3 6 18, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, जिसको ये ग्रीन वाला पोर्शन नहीं समझ आएगा मुझे बता देना। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास
3 गया तो ये बन गया प्लस प्लस रूट 30 और ये बन जाएगा क्योंकि ये प्लस बन चुका है अब और ये बन गया हमारे पास -6। ठीक है, नाउ दिस इज आवर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमारे पास क्या हो जाएगा देखो जरा, लास्ट स्टेप अब मैं यहां पे लिख रही हूं, -2√30 और ये रूट 30 और ये रूट 30, ये 2√30 बन गया। सो -2√30 +2√30, तो ये रूट 30 और ये कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और यहां पे हमारे पास क्या बच गया फाइनल आंसर, 10 -6 -3, दैट इज 10 -9। सो द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये भी इजी है, बस देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे होगा प्रूफ, पर ये भी इजी है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर बी माइनस ए। चलो अब कोई मुझे बताएगा कि कैसे आंसर करेंगे इसको, क्या क्या फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद? कैन एनी वन टेल मी फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर ए माइनस बी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर बी? बिल्कुल लिख सकते हैं, यस, प्लस का साइन एज इट इज। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 एक्स रेज टू द पावर बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर ए, है ना? तो इसको सेपरेट कर लिया। ये कब बनता है, जब बेसिस सेम होते हैं और नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तभी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इनको सेपरेट कर लिया। तो यहां पे भी इनको सेपरेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेते हैं नीचे, तो एक्स रेज टू द पावर बी एलसीएम आ गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर बी प्लस एक्स रेज टू द पावर ए। सिमिलरली प्लस का साइन, यहां पे भी एलसीएम लेते हैं तो नीचे क्या आ गया एक्स रेज टू द पावर ए, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर ए इनटू 1 इज दिस प्लस एक्स रेज टू द पावर बी। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है तो उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, वो न्यूमिनेटर में मूव कर जाता है, राइट? तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास यहां पर, तो यू विल गेट नाउ एक्स रेज टू द पावर बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर बी प्लस एक्स रेज टू द पावर ए प्लस, यहां पे भी ये जो एक्स रेज टू द पावर ए है ये ऊपर मूव कर गया, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी। अगर आप ध्यान से देखो डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो एक्स रेज टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी, यहाँ ऊपर भी आ जाएगा एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए, तो ये दोनों सेम है एग्जैक्टली, कैंसिल हो जाएगा, सो 1 विल बी योर आंसर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर फिर से आ गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स है, बहुत इजी है, चलो ट्रू फॉल्स सॉल्व करते हैं, उसके बाद 15th क्वेश्चन के बाद वी विल स्टार्ट विद द मेंटी क्विज। चलिए, एवरी रैशनल नंबर इज द रियल नंबर कहता एंड एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल, देखो हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर होता है यहां तक तो ठीक है, पर यहां पे बोल रहे हैं कि हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर होता है, एमी ऐसे थोड़ी होते हैं, हर एक रियल नंबर रैशनल थोड़ी होता है, रियल नंबर इरेशनल भी तो हो सकते हैं, तो मतलब ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये गलत है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, क्या ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, आप बताओ, अगर मैं इरेशनल नंबर का स्क्वायर लूं तो क्या वो ट्रू होगा, हमेशा रैशनल होगा, इज इट ट्रू और फॉल्स? एग्जाम्पल दो जल्दी से, एग्जाम्पल दो फटाफट से, यस क्विकली, यस बिल्कुल फॉल्स होगा, यस 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 ये फॉल्स होगा, क्यों? अगर मैं बोलूं 1 प्लस रूट 2
देखो व्हेन वी ऐड रैशनल नंबर टू एन इरैशनल नंबर द आंसर इज ऑलवेज इरैशनल, है ना। रैशनल नंबर को जब आप इरैशनल के नंबर में ऐड करते हो तो वो इरैशनल कंसीडर होता है ना। तो ऑब्वियसली जब मैं इसका स्क्वायर लूंगी तो क्या वो रैशनल बनेगा, वन स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर इज टू प्लस टू रूट टू, कहां है रूट टू वाली टर्म है तो इसमें, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता, तो द आंसर विल बी फॉल्स। सी पार्ट देखते हैं, द रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ एनी टू इरैशनल नंबर मे बी रैशनल और इरैशनल। तो कह रहा है कि अगर मैं किसी दो इरैशनल नंबर्स को एड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड करूं तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स, दिस इज एब्सोल्यूटली ट्रू, राइट, ये ट्रू है, सो दिस इज ट्रू। रीजन पता है ना आपको, अगर मैं दो इरैशनल नंबर्स को ऐड करूं, अगर मैं रूट टू में माइनस रूट टू को ऐड करूं तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो, एंड जीरो इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टू आ रहा है, ये भी रैशनल है, ठीक है। अगर मैं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूं, रूट टू माइनस रूट टू, तब भी रैशनल, इरैशनल भी आ सकता था अगर मैं डिफरेंट नंबर्स ले लेती। अगर मैं रूट टू को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूं रूट सिक्स, तो ये इरैशनल बन जाता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रूट टू की जगह पे रूट थ्री ले लेती, ठीक है, तो ये इरैशनल बन जाता। तो मतलब आंसर्स इन सभी केसेस में रैशनल भी आ सकते हैं और इरैशनल भी आ सकते हैं। सो द थर्ड पार्ट इज ट्रू। मेंटी होगा 15th क्वेश्चन के बाद, आफ्टर टू क्वेश्चन मेंटी क्विज स्टार्ट हो जाएगा। डी पार्ट देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरैशनल, दिस इज रॉन्ग ना। अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लो वो हमेशा इरैशनल होता है, इट इज फॉल्स। 4 इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 व्हिच इज अ रैशनल नंबर, तो उसी ने इसको फॉल्स कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास फॉल्स, तो ये फॉल्स है। और लास्ट वाला, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर में फ्रैक्शन आ गई और होल नंबर में फ्रैक्शन होती ही नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो false. Next question, last second question, and then we will start with the mentee. In the following equations, determine whether the value of x is rational or irrational. X ka value rational aayega ki irrational? Square root of 17 upon 4. This is root 17 upon 2. Definitely this is irrational. Bahut hi easy question. Root wali term aa gayi na. Yahan pe agar dekhe, to x kiske barabar aa jayega? Root 0.04. रूट 4 अपॉन 100 दैट इज 2 अपॉन 10 दैट इज 0.2 टर्मिनेटिंग डेसिमल, यस इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये तो हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। चलो 15th पे चलते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, वेरी इजी। इवैल्यूएट करना है 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पे रूट फोर को क्या लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं, और रूट थ्री ही रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 24 रूट थ्री। इसकी बात करें यहाँ पे आ गया 8 रूट 15 डिवाइड बाय 2 रूट थ्री, 2 4 8 ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 4। रूट के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, रूट के अंदर हम क्या कर सकते हैं बेटा, 15 और 3 को ले सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा 4 इंटू, इधर बन जाएगा 15 और 3 दोनों को रूट के अंदर लिख दिया, तो ये बन जाएगा 4 रूट 5, दैट इज योर आंसर, है ना, इजी पीजी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द मेंटी क्विज नाउ। चलो मेंटी क्विज स्टार्ट करते हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है सेशन को, सॉरी चैनल को, और सेशन को लाइक कर दो। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद आर मेंटी। क्विकली जॉइन द मेंटी क्विज एवरीबडी। क्विकली जॉइन द मेंटी क्विज एवरीवन। योर मेंटी कोड इज 277
46097। देखो यहाँ पे मेंटी कोड लिखा हुआ है टॉप ऑफ योर स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। गो टू www.menti.com एंड एंटर द कोड 2774 6097। चलो चलो क्विकली ज्वाइन द सेशन एवरीबडी। Yes, quickly join the class. Also hit the like button. 100 likes के बाद ही mentee start होगा, ऐसे नहीं start होगा। चलो शाबाश। जल्दी से mentee join कर लीजिए फटाफट से। Yes, everybody. Shall we start the quiz? कितने बच्चों ने join कर लिया? फातिमा is joined, very good. प्रांजल ने join कर लिया है। Yes. Okay, study zone has joined. Very good. Archita, Vidhi, Yash, Nandini, Princy, Aditya, very good. तो इन बच्चों ने mentee quiz join कर लिया है, फटाफट से बाकी बच्चे भी join कर लो। Pranya, also hit the like button. 100 के बाद we will start the mentee, okay? क्या ये चैप्टर आपके एग्जाम्स में नहीं आ रहा? हाँ, आपको आपको एग्जाम्स में फुल सिलेबस नहीं आ रहा है क्या? फाइनल एग्जाम्स में क्या हो रहा है? आपके स्कूल्स में फुल सिलेबस आ रहा है या हाफ सिलेबस आ रहा है? यस, फाइनल्स में आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे कम आए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम में आ ही नहीं रहा है। नंबर सिस्टम या तो आप सबको बहुत अच्छे से आता है ना, या फिर पेपर में ही नहीं आ रहा है इसलिए पढ़ने नहीं आ रहे हो। क्या सीन है बताओ मुझे, क्या सिचुएशन है? हाँ अच्छा, अभी काफी टाइम है, टाइम डिफरेंस ज्यादा है। ओके, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्विज। हियर कम्स योर क्वेश्चन नंबर वन। वेट, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव ज्वाइंड। Okay, so I'm starting with the question number one. The number 1 minus root 5 whole square is a dash number. Is it a natural number, rational number, irrational number or an integer? Is number ka naam kya hai? Ye ek natural number hoga, rational number hoga, irrational number hoga ya fir integer hoga? Very easy question. लास्ट 5 seconds आर लेफ्ट। ये तो अभी भी अभी अभी एग्जाम्पल भी दिया था मैंने पीछे, है ना? यस, सो टाइम इज अप। अच्छा, टाइमिंग्स की वजह से। ओके, चलिए। सो इरेशनल नंबर इज द राइट आंसर। ये रैशनल वाले कौन है बेटा, महान बच्चे? a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर दैट इज 1 प्लस b स्क्वायर दैट इज रूट 5 स्क्वायर 5, तो 1 प्लस 5 माइनस 2 रूट 5, तो माइनस 2 रूट 5 की वजह से ये नंबर क्या बन जाएगा? इरेशनल, क्योंकि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements is correct?
0 is a natural number, minus 1 is a whole number, 6.5 is an integer, 1 is a whole number. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? करेक्ट कौन सी है इसमें से? बहुत इजी क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है ना. ओके, लास्ट 20 सेकेंड्स आर लेफ्ट. यस, राइट आंसर्स. सो लास्ट वाला स्टेटमेंट यहां पे ट्रू था, बाकी सारे ही गलत थे. चलो, काफी इजी है बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन्स. Which of the following is a rational number between 1 by 4 and 1 by 3? ध्यान से करना. 0, 1 by 8, 7 by 24 या फिर 1 upon 5. तो इसमें से कौन सा rational number 1 by 4 और 1 by 3 के बीच में lie करता है? Yes. चलो चलो जल्दी से. सबसे पहले तो ये देखने के लिए आपको denominator को same करना पड़ेगा. Denominator को same करने के लिए LCM लेना पड़ेगा. ठीक है, एंड यू नो द ड्रिल, वेरी इजी. चलो जल्दी से बताओ. सो लास्ट 10 सेकेंड्स बेटा. ओके, राइट आंसर 7/24. तो इन दोनों का एलसीएम क्या आना था? इन दोनों का एलसीएम क्या आना था? यस, 12, राइट. सो आपके पास 1/4 है, आपके पास 1/3 है, एलसीएम आएगा 12. ठीक है, तो यहां पे इन दोनों का एलसीएम क्या है? 12 है. तो वैसे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं? 4, 3 से 12 होता है, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 3, 4 से 12 किया वो आ जाएगा, है ना. सो 3/12 एंड 4/12 पर हमारे पास अगर डिनोमिनेटर चेक करें तो अगर इसको और मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 6/24. इसको 2 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 8/24. तो 6/24 और 8/24 के बीच में कौन सा नंबर लाई कर रहा है? 7/24. सो दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स बच्चे. No, we have a leaderboard with us. Okay, so Tapasya has given the fastest answer and she's on the top. Very good. Then we have Pranya, Archita, Angelina, Name, Wolf, Mr., Lola, Dev, Arpit and Naman. Ye bache hain top 10 students on the leaderboard. Well done everyone. Well done everyone. Yes, very easy peasy. तो अब यही है, जल्दी जल्दी से fastest और correct answer देने की कोशिश करनी है. ठीक है, okay, question number 4 on your screens. 4th question. इसको 4 मत समझना. The question is 1.6666 is a rational number, can be expressed in the form of p by q, then p plus q is. 1.6666 is the rational number. 41 मत ले लेना इसको. It is 1.6666. चलो, बहुत बार प्रैक्टिस कर ली ऐसे क्वेश्चंस की. Yes, last 10 seconds are left. All right. अरे, इतनी गड़बड़, इतने बच्चों ने गलत आंसर दे दिया.
क्यों वाई? ये देखो ये क्वेश्चन कैसे होना था, इजी था। आपके पास मान लेते हैं कि एक्स हमारे पास कितना है 1.6666 एंड सो ऑन, तो मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई करना था। मुझे डेसिमल के बाद 6666 चाहिए, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 10x equals to ये बन जाएगा 16.6666 एंड सो ऑन। क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहां चला जाएगा, तो पीछे क्या रह गया 1616, राइट? दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 10x माइनस एक्स बन जाएगा 9x, 16 माइनस 1 बन गया 15, तो x बिकम्स 15 अपॉन 9, सो 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5 अपॉन 3 आ गया, 5 अपॉन 3 बन चुका है नंबर, ठीक है? अब उसने बोला है पी बाय क्यू में लिख दिया, पी बाय क्यू में क्या लिख दिया 5 अपॉन 3, पर आपको आंसर क्या देना था पी प्लस क्यू का, मतलब 5 प्लस 3 दैट इज 8 इज द राइट आंसर, सो 8 सही आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रूट टू प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू विल गिव, रैशनलाइज करना है बस और कुछ नहीं करना है, जस्ट रैशनलाइज इट, जल्दी से रैशनलाइज करो इसको। रूट टू प्लस रूट थ्री और नीचे रूट थ्री माइनस रूट टू, तो आपका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा यहाँ पे रूट थ्री प्लस रूट टू, तो रूट थ्री प्लस रूट के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। जल्दी से आंसर बताओ क्या आया, जल्दी से बच्चा हिट द लाइक बटन एवरीबडी, दोज आर वॉचिंग द सेशन मेक श्योर यू आर हिटिंग द लाइक बटन, यस एवरीवन, You are here to watch the session, अपने लिए लाइक हिट कीजिए। ओके, सो 34 स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बन गया था बेटा यहां पे सिंपल, किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, देखो रूट टू प्लस रूट थ्री और यहां पे है रूट थ्री माइनस रूट टू, मल्टीप्लाई करेंगे इसको रूट थ्री प्लस रूट टू के साथ नीचे भी और ऊपर भी, है ना ऐसे ही है। चलो तो ऊपर क्या बन गया रूट टू प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज थ्री माइनस टू वन, तो बस इसको ओपन करना था ब्रैकेट को, क्या बन गया टू प्लस थ्री प्लस टू रूट सिक्स दैट इज फाइव प्लस टू रूट सिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सो बी वॉज द राइट आंसर हेयर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, एवरी होल नंबर इज एन या फिर अ, इज एन इंटीजर इरेशनल नंबर बोथ या फिर नन, हर एक होल नंबर इंटीजर होता है इरेशनल नंबर होता है बोथ होता है नन होता है, बताओ जल्दी से, बहुत इजी सवाल है वैसे। Yes, so obviously हर एक होल नंबर क्या होता है बेटा इंटीजर होता है, एवरी होल नंबर, जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, वन भी इंटीजर होता है, टू भी इंटीजर होता है, सो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो वी हैव द लीडर बोर्ड विद अस, ऑल राइट, सो प्राणा इज ऑन द टॉप, सेकेंड पोजिशन पे है आशीष, देन वी हैव सहज, यशजीत हैज गिवन द फास्टेस्ट आंसर, देन फातिमा, नीम, दिवांश, कुशग्रा, देव एंड सृष्टि, ये बच्चे हैं हमारे लीडर बोर्ड पे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरी वन, क्वेश्चन नंबर 7, Which
of the following statements is incorrect? इसमें से कौन सी statements incorrect हैं? Rational and irrational numbers together make up real numbers. All irrational numbers are real numbers. All real numbers are irrational numbers. Every point on the number line represents a unique number. आपको बताना है which of the following statement is correct. Yes, everybody. जल्दी बताइए. ओके सो 39 स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर. बेटा सी ऑप्शन गलत था क्योंकि सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. पर ये तो ट्रू नहीं है. पहले भी बताया था कि रियल नंबर्स रैशनल भी तो हो सकते हैं. बट उस स्टेटमेंट में मेंशन था कि हर एक रियल नंबर क्या है, वो इरेशनल है. तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. बाकी तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट थी, बाकी तीन स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट थी यहां पे. ओके सो एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, वो रैशनल भी हो सकता था. इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे यार कोई बात नहीं सलमा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट करने की कोशिश करना बच्चे. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? अच्छा ये तो बहुत इजी है, डेसिमल एक्सपेंशन देख के आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है. प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैं साइड पे हो जाती हूँ सो यू कैन सी द ऑप्शंस ए बी सी डी. ध्यान से ऑप्शंस को देखो और बताओ इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है. यस बच्चे क्या लगता है क्या आंसर है इसका? लास्ट 20 सेकेंड्स आर लेफ्ट. ओके लास्ट 10 सेकेंड्स. थ्री टू वन. All right, so 53 students have given the right answer. तो यहां पे अगर हम options की तरफ देखें, चलो first option क्या था? First option में अगर हम ध्यान से देखें, तो हमारे पास 2876 repeat कर रहा था. तो first option में it was a non-terminating but repeating decimal, so वो rational हो गया. Second option की बात करते हैं, 15.232323 है ना? तो ये क्या बन जाएगा? 2323 is repeating again, non-terminating but repeating, so it is also a rational number, है ना? सी ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो, देखो डी तो क्लियरली दिख रहा है कि ये भी रिपीटिंग है, ये भी रैशनल है, तो ऑप्शन बचेगा सी. तो सी इज द राइट आंसर. सी में नंबर्स आर नॉट गेटिंग रिपीटेड, ठीक है? इसलिए सी ऑप्शन क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही वो रिपीट कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. The expression this when simplified reduces to a minus b root 15, then a plus b is equal to. ध्यान से देखना, आपके पास पूछा है a plus b का वैल्यू क्या होगा. इसको rationalize करो, इसको a minus b root 15 की फॉर्म के साथ कंपेयर करो और मुझे बताओ a plus b का वैल्यू क्या होगा. ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, अक्सर गलती हो जाती है. रैशनलाइज करो, फिर उसके बाद कंपेयर करो ए माइनस बी रूट 15 के साथ. मुश्किल नहीं है, इजी है क्वेश्चन.
Last 15 seconds are left. Three, two, one. Your time's up. Okay, 28 students. और यहाँ पे 10 के साथ क्यों confusion आ रहा है? चलो check करते हैं कहाँ पे गलती हुई है. Silly mistake पकड़ो चलो बेटा अपनी. देखो आपके पास ये है expression root 5 minus root 3 divide by root 5 plus root 3. तो denominator के conjugate के साथ multiply divide करते हैं. तो ये हो जाएगा रूट फाइव माइनस रूट थ्री. रूट फाइव ऊपर भी आ जाएगा माइनस रूट थ्री. तो ऊपर बन गया रूट फाइव माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज रूट फाइव स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर. राइट, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू रूट 15 और नीचे क्या बन जाएगा आपके पास फाइव स्क्वायर रूट फाइव स्क्वायर इज फाइव रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री. तो नीचे आ गया टू, ऊपर बन गया एट माइनस टू. ये देखो दिख रहा है ना सबको 8 माइनस टू रूट 15 डिवाइड बाय 2. 2 से डिवाइड कर देते हैं अब 8 को भी. ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 4 माइनस रूट 15. यही बना आपके पास. अब कंपेयर किसके साथ करना है a माइनस बी रूट 15 के साथ कंपेयर करना था. a माइनस बी रूट 15 के साथ कंपेयर करना है. देखो a की जगह पर क्या है 4. a की जगह पे क्या है ये देखो 4. माइनस का साइन रूट 15 रूट 15. तो बी की जगह पे क्या आएगा ये रूट 15 के साथ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब उसके साथ 1 है. सो दैट मींस बी की जगह पे हम लिखेंगे 1. दोनों को ऐड किया यू विल गेट 5 एज द आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके वी हैव अ लीडर बोर्ड विद अस नाउ. All right, so Fatima has given the fastest answer and she is on the top. Very good, Fatima. On second position, we have Yashit, then Pranya, Sahaj, Devansh, Ashish, Srishti, Arpit, Kushagra and Neem. These are the top 10 students on the leaderboard. Well done, Bacha Padi. Well done, everyone. Chaliye, now it's time to move on to the next question. Question number 10. Two more leaderboards are left. Try to be on the leaderboard और अपना rank तो कम से कम improve करने की कोशिश करनी ही है with each and every question. 14 raised to the power 1 by 7 into 14 raised to the power 1 by 7 can be represented as A, B, C, D. What is the right answer? Yes, everybody. अरे देखो तो जब भी आपके पास it's buffering again. Is it fine? Okay. So जब भी आपके पास all of the above option होता है तो कभी भी फर्स्ट ऑप्शन को देख के अरे ये तो सही होगा बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है. मोस्टली बच्चों ने वही किया यहां पर है ना, यही किया ना, फर्स्ट आंसर देखा हाँ यार ये तो यही होता है चलो इसको टिक लगा देते बाकी रहने देते. जब भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में गिवन होता है तो हमेशा चेक किया करो बाकी ऑप्शंस कहीं करेक्ट तो नहीं है क्योंकि चांसेस होते हैं बाकियों के भी करेक्ट होने के. राइट, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है अगर आप दोबारा से रिवाइंड करके देखोगे नाउ यू विल अंडरस्टैंड मैम यस सभी ऑप्शन ठीक थे है ना. तो कौन कौन से ऑप्शन थे रुको लेट मी रिवाइंड द वीडियो लेट मी सी कि क्या क्या ऑप्शन थे. फर्स्ट ऑप्शन तो चलो सबने करेक्ट किया है 14 रेज टू द पावर 1 बाय 7 प्लस 1 बाय 7 इन द बेसिस आर सेम पावर्स आर गेटिंग एडेड फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड ऑप्शन में क्या किया है 14 स्क्वायर रेज टू द पावर 1 बाय 7 उसका भी तो यही है. देखो वही वो भी तो यही बना. इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में ऐसे लिखा था 14 रेज टू द पावर 1 बाय 7 प्लस 1 बाय 7 मेक सेंस बिल्कुल सही है. तो ये क्या बन जाएगा 14 रेज टू द पावर
2/7, हाँ या ना, ये 2/7 बन जाएगा। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, इसको लिखने के ये तरीका है, 14 स्क्वायर की पावर में 1/7, या दूसरा तरीका क्या लिखा है, 14 × 14 रेज टू द पावर 1/7। देखो एक ऑप्शन आपका ये था, दिस वॉज योर फर्स्ट ऑप्शन, दिस वॉज योर सेकेंड ऑप्शन, दिस वॉज योर थर्ड ऑप्शन। सो तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिली मिस्टेक की है यहां पे, अदरवाइज सबको पता था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से करना, अगर इसका वैल्यू 7 रेज टू द पावर m के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू निकालने। तो 7 रेज टू द पावर m है राइट हैंड साइड में, तो इसको भी 7 बेस की कुछ पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। चलो शाबाश, ओके चलो मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके, क्या था हमारा क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन वॉज, वन सेकेंड लेट्स चेक, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, लेट मी राइट इट फॉर यू। क्वेश्चन था हमारे पास 1/7² raised to the power -2, then raised to the power -1/3, and then raised to the power what? 1/4, है ना। तो आई नो दैट कि पावर्स क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो आई कैन से 1/7² कैन बी रिटन एज की पावर कैन बी रिटन एज -2 × -1/3 × 1/4। तो ये 2 × 2 = 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या बन गया, 1/7² रेज टू द पावर व्हाट, रेज टू द पावर 1/6। अच्छा 1/7² को मैं क्या लिख सकती हूं, इट कैन आई राइट इट लाइक दिस, 7 रेज टू द पावर -2, है ना, 1/7। अगर मैं इसको ऊपर लेके आना चाहती हूं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो 7 रेज टू द पावर -2 और ऊपर ऑलरेडी 1/6 बैठा, अगेन दीज पावर्स विल बी गेट विल गेट मल्टीप्लाइड। सो ये आ जाएगा 7 रेज टू द पावर -2 × 1/6, सो 2 × 3 = 6, तो 7 की पावर में क्या आ गया बच्चे, -1/3। सो -1/3 इज द राइट आंसर, ठीक है, -1/3 इज द राइट आंसर। चलो कुछ बच्चे 1/3 बोल रहे हैं चैट में, माइनस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर एन इंटीजर n, अ स्टूडेंट स्टेट्स द फॉलोइंग, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स वुड बी ट्रू। If n is odd, then this is always even. If n is even, n minus 1 square is odd. If n is even, n minus 1 is even. तो ऐसे questions में कोई n की value assume कर लेनी है। पहले सवाल में n is odd बोला है, तो n को odd number लेके देखो कि क्या हमेशा even बन रहा है। फिर n को even लेके देखो और इसमें put करके देखो कि क्या हमेशा odd बन रहा है। फिर same चीज third part के लिए करो, हो जाएगा। Easy है, चलो शाबाश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
ओके योर टाइम इज अप. यस, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस आर करेक्ट. काफी बच्चों ने यहाँ पे की है घर पर. सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला था, फर्स्ट ऑप्शन में मुझे बताओ क्या बोला था. इट वॉज रिटर्न, वेट, फर्स्ट ऑप्शन में था इफ n इज ऑड देन n प्लस वन स्क्वायर इज इवन. तो अगर n ऑड है, अगर n को मैं ऑड ले लेती हूं, लेट से n को मैंने ले लिया 1 और 3, तो उसके बाद n प्लस वन का स्क्वायर कहता, n प्लस वन का अगर मैं स्क्वायर करूंगा वो हमेशा इवन होगा. अब करके देखो, n को 1 डालेंगे तो 1 प्लस वन 2 स्क्वायर इज 4, n को 3 डाला 3 प्लस वन इज 4 स्क्वायर इज 16. तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, इवन. दैट मींस ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू था, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट वॉज ट्रू. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर n इवन है, अगर n इवन है तो n माइनस वन का स्क्वायर हमेशा क्या होगा बेटा, ऑड होगा. चलो चेक करते हैं. इवन लेना है तो 2 और 4 ले लेते हैं, ठीक है. तो अगर मैं 2 लेती हूं तो 2 माइनस वन इज 1, 1 स्क्वायर इज 1. अगर मैं 4 लेती हूं, 4 माइनस वन इज 3, 3 स्क्वायर इज 9. तो हर ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑड होता है. दैट मीन्स सेकेंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट था. अब थर्ड वाले पार्ट में बोला था इफ n इज इवन n माइनस वन इज ऑल्सो इवन. अब ये तो पॉसिबल नहीं है. अगर मैं n इवन ले लेती हूं, मान लेते कि n 4 है या 6 है, तो n माइनस वन क्या आएगा, 4 माइनस वन इज 3, 4 6 माइनस वन इज 5, तो ये हमेशा ऑड आएगा. पर क्वेश्चन में लिखा है कि n माइनस वन इज इवन, जो कि फॉल्स है. सो ओनली पार्ट वन एंड पार्ट टू स्टेटमेंट्स वर ट्रू. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो वी हैव लीडर बोर्ड विद अस, दिस इज द लास्ट सेकंड लीडर बोर्ड. इसके बाद एक आखिरी लीडर बोर्ड रह गया है हमारे पास. सो प्राण्या इज ऑन द टॉप, वेरी गुड प्राण्या. ऑन सेकंड पोजीशन वी हैव देवांश, शाबाश. थर्ड पे है फातिमा, वेरी गुड. यश ऑन फोर्थ, नेम ऑन फिफ्थ एंड ऑल्सो द फास्टेस्ट वन. देन आशीष ऑन सिक्स, तपस्या ऑन सेवेंथ, अर्पित ऑन एट्थ, क्रिश ऑन नाइन्थ एंड सहज ऑन टेंथ पोजिशन. सो दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट्स. वेल डन एवरी वन एंड दोज आर पार्टिसिपेटिंग, कीप इट अप, कीप इट अप, शाबाश. चलो, सो लास्ट थ्री क्वेश्चंस आर लेफ्ट, लास्ट लैप ऑफ दिस मेंटी क्विज. क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन्स, कमिंग राइट अप. द डेसिमल फॉर्म ऑफ 4/11 इज 0.3636 एंड सो ऑन, 0.3736 एंड सो ऑन, 36.3636 एंड सो ऑन, 18.3636 एंड सो ऑन. बस डेसिमल एक्सपेंशन इसकी बनानी है आपको, डिवाइड करके, कुछ नहीं करना है. और इजी पीजी क्वेश्चन. यस, लास्ट 30 सेकेंड्स आर लेफ्ट. लास्ट 10 सेकेंड्स बचे, सिर्फ डिवाइड करके आपको चेक करना है डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रही है. ऑल राइट, सो ए इज द राइट आंसर हियर, 0.3636 बिल्कुल करेक्ट है. डिवाइड करो 4 को 11 के साथ, यू विल गेट दिस डेसिमल एक्सपेंशन. बच्चों वाला सवाल है, सिर्फ डिवाइड करना था, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन. चलो चलो, गेट रेडी एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन एक्सपैंडेड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1000 रेस टू द पावर 10 इज. अगर मुझे बताना है कि इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, तो क्या आंसर दोगे, 13, 34 या फिर 10? इजी है.
लास्ट 10 seconds. Okay, 3, 2, 1, and your time's up. So 30 is the right answer. अरे 13 क्यों बोल रहे हो? करके नहीं देखा है, तुक्का मार दिया. यहां पे लिखा है 1000 raised to the power 10. So how can I write this 1000? 1000 can be written as 10 raised to the power 3. And raised to the power 10 we have. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 raised to the power powers will get multiplied. So 3 into 10. So 10 raised to the power 30 is the right answer. 13 नहीं, 10 plus 3 कर दिया. Add नहीं होना था. Powers आपस में multiply होती हैं. Multiply होना था. ठीक है? चलो. Next question. Last question of the day. वेरी गुड नारीन, प्राउड ऑफ यू. बच्चा क्लास 10th का लाइव हो चुका है. कुलदीप, क्लास 10th का लाइव आज सुबह 11 बजे था. आज मैंने सर्कल चैप्टर के 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कराए थे. अगर आपने वो लाइव क्लास मिस कर दिया है, गो एंड वॉच द रिकॉर्डेड सेशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं आज हमने, जरूर कर लेना उस चैप्टर को. ठीक है, सर्कल चैप्टर के किए. चलो, क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन्स. The decimal expansion of pi is a whole number, terminating, non-terminating but repeating number, या फिर non-terminating, non-reoccurring. Very easy question. बच्चा क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स का सेशन रिद्धि ऑलरेडी हो चुका है. प्लीज गो एंड वॉच इट ऑन दिस चैनल. मैंने करा दिया है वन शॉट स्टैटिस्टिक्स भी करा दिया, पूरी एनसीईआरटी भी करा दिए, PYQs भी करा दिए. प्लीज एक बार चेक कीजिए. 46 स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर. ऑब्वियसली पाई इज एन इरेशनल नंबर. और मैंने क्या सिखाया था? इरेशनल नंबर एक जिद्दी बच्चा होता है, ना ही कभी रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट करता है. सो नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग इज द राइट आंसर. सो पाई इज एन इरेशनल नंबर. ओके, सो हियर कम्स योर फाइनल लीडर बोर्ड. फाइनल लीडर बोर्ड आ चुका है हमारे पास. All right. So Devansh Singh has won the quiz. Congratulations, Devansh. And let's see, we have Fatima on second position. Name has given the fastest answer and he's on the third position. Then Ashish on fourth. Pranaya fifth. Yashjeet sixth. Krish seventh. Tapasya eighth. Arpit ninth. And Angelina 10th position. Well done everyone, well done everybody. So those who have participated in the Menti quiz, या फिर जो बच्चे live quiz में थे और answers दे रहे थे, well done to each and every one of you. शाबाश, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, regularly sessions में आते रहो. Definitely आप अपने exams फोड़ने वाले हो, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर, है ना. और ये आपका homework question है. Make sure कि आप इस homework question का answer मुझे जैसे ही video खत्म होता है comment section में दे दो फटाफट से. ओके, सो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में दे देंगे. ऑल राइट, एंड यू नो दैट वी एट बायजूस हैव ऑलवेज गॉट यू कवर्ड. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस द इंपॉर्टेंट सेशंस. ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और लाइव सेशंस में आप कभी भी लेट ना हो जाओ. ठीक है, एंड फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, बच्चा आज क्लास हो चुका है सर्कल्स का. गो एंड वॉच दैट सेशंस इफ यू हैव सेशन, इफ यू हैव मिस्ड द क्लास. ओके, सो एवरी डे लाइव सेशंस आर हैपनिंग फॉर यू. आपकी पूरी पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो प्लीज रेगुलरली आइए, रेगुलरली आओ, पढ़ो. क्रैश कोर्स 2.0 में सारा सिलेबस कवर कराया जा रहा है एंड फेब 17th तक पूरा का पूरा सिलेबस आपका बच्चे कवर हो जाएगा. राइट, तो थैंक यू सो मच, दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. तो आज के सेशन में हमने नंबर सिस्टम्स पढ़ लिया है. सो आई होप यू लाइक द सेशन. मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. नाउ बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. बाय. Thank you.